बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस 12 की शुरुआत से ही दीपक ठाकुर ये कहते हुए नजर आए हैं कि वो सोमी खान से प्यार करते हैं। अगर सोमी खान उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो भी वो ट्राई करते रहेंगे, घर के अंदर भी ट्राई करेंगे और घर से बाहर जाने के बाद भी वो ट्राई करते ही रहेंगे, कोशिशों में लगे रहेंगे कि सोमी खान मेरे प्यार को एक्सेप्ट ही कर ले। और ये बात दीपक ठाकुर पर एकदम फिट बैठती है कि उम्मीदों पे तो दुनिया कायम है तो हम उम्मीद क्यों ना करें। और पूरी भारत की जनता के सामने दीपक ठाकुर ने फिर से एक्सेप्ट किया कि मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सोमी खान मेरे प्यार को जरूर एक्सेप्ट करेगी। दरअसल घर में चल रहा है बीबी रेडियो टास्क और इस टास्क के दौरान आई है आरजे मलिश्का और आरजे मलिश्का ने शो के दौरान दीपक ठाकुर से एक सवाल पूछा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आखिर इस रिश्ते को नाम क्या देंगे हम। तो यहाँ पर दीपक ठाकुर ये कहते हैं कि हम सोमी खान को बहुत पसंद करते थे, हमें बहुत अच्छी लगती थी। मलिश्का कहती है अब पानी वानी लेंगे क्या, ठीक है आप थी मतलब। तो दीपक यहाँ पर अपनी बात में करेक्शन करते हुए ये कहते हैं कि हम अभी भी पसंद करते हैं और अभी भी अच्छी लगती है, हम इनके भी विचारों का सम्मान करते हैं। तो मलिश्का कहती है बिल्कुल ड्रम मिलाई जोड़ी। तो दीपक इस बात में हामी भरते हुए नजर आते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सोमी, तो सोमी कहती है कि कुछ होना हो लेकिन उम्मीद पूरी रखते हैं। तो दीपक ठाकुर कहते हैं मिलेगी, जरूर मिलेगी और हम उम्मीद छोड़ तो नहीं सकते ना, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमें जरूर मिलेगी। मलिश्का कहती है लेकिन इन्होंने तो आपको पूरे एक फ्रेंड जोन में रखा है। दीपक ठाकुर कहते हैं हाँ जरूर, एक लक्ष्मण रेखा बनाई हुई है इन्होंने, कुछ भी हो ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा एंड आई एम डैम श्योर कि मुझे ये जरूर मिलेगी। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।